किस कदर अफसोस की बात है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ये जलसे जो होते हैं, ये जलसे इसीलिए होते हैं कि आपकी नस्लों तक सही पैगाम पहुंचे, आपकी नस्लों तक सही तहरीक पहुंचे, आपकी नस्लों तक सही मैसेज पहुंचे। आइए इस सिलसिले के बहुत मजबूत कड़ी के हवाले से मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ मिंबरे नूर पे जलवा मार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तकरीर और जिनकी खिताबत सुनने के बाद, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपकी नस्लें भी खुश होंगी और इंशाअल्लाह आपकी आपकी नस्लों की दुआएं इंशाअल्लाह आपके साथ होंगी। हिंदुस्तान के खतीब का इंतखाब अमल में आया है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब सल्लल्लाह, जिनकी गहरी नजर का यह आलम है कि पूरी दुनिया के मसाइल पे जिनकी गहरी नजर है, हिंदुस्तान की वो शख्सियत मिंबरे नूर पे जलवाबार है। हम ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने पढ़े लिखे लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, आप किस तरह से उनका इस्तकबाल करते हैं, मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जरा सब लोग अपने हाथों को उठा लें, नारा लगाइए मेरी आवाज से आवाज मिलाकर, नारे तकबीर, जरा और मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुफस्सिरे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहे, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, फिरदौस जमी पर है जमी अर्शे बरी पर। फिरदौस जमी पर है जमी अर्शे बरी पर, और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नातखानी दे, और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लम मुबारक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व अला अलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत अजमत रजा भागलपुरी को पूरी बेदार मगजी के साथ आपने समाज फरमाया। शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अली फैजी रौनक स्टेज हो चुके हैं, आप उनके इंतजार में मेरी तकरीर भी सुन लीजिए इंशाअल्लाह। तब तक तो बैठे रहेंगे। उर्से मुफस्सिर आजम हिंद का इलाज, हम लोग मसलके आला हजरत का नारा तो खूब लगाते हैं, लेकिन उनके मसलक को दलील से कम ही लोग साबित करते हैं। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक आयत है सूरह फातिहा की, और सूरह फातिहा 114 सूरतों में पहली सूरत है कुरान की, और कुरान कलाम है खुदा का, बोली है खुदा की। और अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु,
हम तेरी ही इबादत करें, तेरे सेवा किसी की इबादत न करें। हम तुझी को पूजें, तेरे सेवा किसी को न पूजें। तो जब ये अल्लाह का कलाम है तो क्या खुदा खुद अपने आप को संबोधित करके कह रहा है कि हम तुझी को पूजें, तेरे सेवा किसी को न पूजें? वाह 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 वाह, माशाल्लाह। नहीं, और हरगिज नहीं। अल्लाह आबिद नहीं, माबूद है। दुनिया जहान उसकी पूजा करती है, वो किसी की पूजा करने से बेनियाज है। वो अपने आप को संबोधित करके नहीं कहता कि हम तुझी को पूजें, तेरे सेवा किसी को न पूजें। वो तो हमें सिखा रहा है, ए मेरे बंदो, हमने अपने सेवा सबकी पूजा से तुम्हें रोक दिया है। वकदा रब्बू का अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का कि तुम सबकी पूजा नहीं करोगे, केवल अपने रब की पूजा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शजर व हजर की पूजा मत करना, शमशो कमर की पूजा मत करना, पेड़ पौधों की पूजा मत करना, दरिया की रवानी की पूजा मत करना, करना तो फकत अपने रब की पूजा करना। तो इया का नाम एक इकरार है मर्द मोमिन का, जो ये बार बार करता, हर बार करता। सूरह फातिहा जब नमाज के अंदर पढ़ता है तब भी कहता है इया का नाम, हम तुझी को पूजें, तेरे सेवा किसी को न पूजें। सूरह फातिहा जब नमाज के बाहर पढ़ता है तब भी कहता है इया का नाम, हम तुझी को पूजें, तेरे सेवा किसी को न पूजें। और यही सूरह फातिहा जब अल्लाह वाले के मजार तब भी कहता इया का नाम। देखने वालों धोखा मत खाना, हम कब्र पे खड़े होके कब्र की पूजा नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा खुला ऐलान है इया का नाम, हम तुझी को पूजे तेरे सेवा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ढेर सारे लोगों को हम सुन्नियों और बरेलियों के इस इकरार में शुबा हो, और वो हमारे विरुद्ध प्रचार नहीं दुष्प्रचार करते हैं कि ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान बार बार इकरार तो करता है हम तुझी को पूजें, तेरे सेवा किसी को न पूजें, मगर ये तो कदम कदम पे गैरुल्लाह की पूजा करता है, कब्र पूजवा। कहते हैं कि नहीं कहते? लाहौल तो हम भी पढ़ते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? कहता कि कब्र पूजवा। उन लोगों को बता देना, आज तक तुम्हारे कठपुतलों ने इबादत की परिभाषा समझी ही नहीं। इबादत कहते किसे? इबादत की परिभाषा क्या है? इबादत की डिफिनीशन क्या है? किसी अहरे गहरे नथू खैरे के कह देने से कोई काम इबादत नहीं होता। इबादत की परिभाषा जिस काम पे फिट बैठे दी वही इबादत। हमने कब्रों पे फूल डाल दिया, तुमने फतवा झाड़ दिया, कब्र पुजवा है। क्या कब्रों पे फूल डालने का नाम इबादत है? नहीं, और हरगिज नहीं। कब्रों पे फूल डालना कब्रों की पूजा और इबादत नहीं? अरे ये तो अपने असल के एतबार से हमारे नबी की सुन्नत है। इश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आता।
सुनो बुखारी की हदीस, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, फरमाते हैं मर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिकब्रैन فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده الرطب فشقها بنصفين ثم غرز على كل قبر واحدة قالوا لما صنعت هذا يا رسول الله قال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبس. क्या मतलब है हदीस पाक का, गौर से सुनिए ना, शायरी अभी तुरंत होगी, घबराइए नहीं, थोड़ा सुन लीजिएगा, है ना, होगी शायरी अभी. अल्लाह के रसूल का गुजर दो कब्रों से हुआ, आपकी गंगटी की धरती तो बुजुर्गाने दीन की आमद वाली धरती, हमारे सारे अकाबिर आपके गांव में आ चुके, आप खुश नसीब, और मुफस्सिरे आज़मे हिंद अलैहि रहमतो व रिदवान के रुश्दो हिदायत का तो ये दावा रहा, बेशक बेशक, आज हमें डॉक्टर हसन रजा खान साहब ने बताया, वाह वाह वाह, गंगटी की धरती वो धरती है कि मुफस्सिरे आज़म यहाँ आते थे तो महीनों हो जाते थे, वाह वाह है कि नहीं, रुक जाते थे, बुजुर्गों की धरती है, तो आपको इल्मी तकरीर सुननी चाहिए, बरेली की जो मरकजियत है वो इल्म की बुनियाद है, वाह वाह वाह, वरना पीर तो हर कोने में आपको मिल जाए, वाह 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 वाह, है कि नहीं, इल्म की बुनियाद, तो इल्म की कदर करना हर बरेलवी पे फर्ज है, वाह वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी फिक्र है, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों से हुआ, तो फरमाया कि इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा, अंदाजा करो नबी की नजर हैं इस दुनिया में और उस दुनिया में झांक के बता रहा, वाह सुभान अल्लाह, क्या मतलब मेरे कहने का, दुनिया कई तरह की होती है आप जानते हैं, एक दुनिया वो थी जो हम सब लोग यहां आने से पहले जहां थे, वो कौन सी दुनिया है, आलमे अरवाह, आत्माओं का संसार है कि नहीं, पहले हम लोग वहीं थे ना, पैदाइश हो गई तो अब यहां, ये कौन सी दुनिया, शारीरिक संसार, आलमे अजसाम, फिजिकल वर्ल्ड, और फिर कभी ना कभी तो मृत्यु होगी ना हम लोगों की, ये हमेशा रही है, भाजपा की हुकूमत रहेगी तो हम लोग चले जाएंगे, नहीं रहेगी तो बचे रहेंगे, हुकूमत के आने जाने पे मौत का इन्हसार है, मौत अपने मुतय्यन वक्त पे आएगी, हुकूमत के तख्त पे कौनों बैठ जाए, ईमान की हिफाजत हर दौर में करना, ईमान चला जाएगा तो सब चला जाएगा, मौत तो अपने समय पे है कि नहीं, तो मरेंगे हम लोग तो फिर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, वो कौन सी दुनिया है, आलमे बरजख, कब्रों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ग्रेव, वहां चले जाएंगे,
और इस दुनिया के बीच और कब्रों की दुनिया के बीच अल्लाह ने एक पर्दा डाल रखा है। और पर्दा कैसा डाला है, मार्केट में आप जाएंगे तो दो तरह का ग्लास आपको मिलेगा, पानी पीने वाला नहीं, शीशा के माने है कि नहीं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास और एक रिफ्लेक्टिव ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास में इधर वाला उधर वाले को देख लेगा, उधर वाला इधर वाले को, लेकिन जो ग्लास रिफ्लेक्टिव होगा तो अंदर वाला बाहर वाले को देखेगा, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देखेगा। अल्लाह ने इस शारीरिक संसार के बीच और कब्रों की दुनिया के बीच जो पर्दा डाला है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा नहीं, रिफ्लेक्टिव ग्लास जैसा, जहां से अंदर वाला बाहर वाले को देखता है मगर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं। बहुत अच्छा माशाल्लाह। पाप की कब्र पे अगर बेटा चला जाए तो उसको सुकून मिलता है, अंदर से देखता है कि मेरा बेटा मेरी कब्र पे आया। सुभान अल्लाह। मगर बेटा नहीं देख पाता कि मेरा बाप किस हाल में कब्र पे आया है कि नहीं। पर्दा लगा है रिफ्लेक्टिव ग्लास के, तो अंदर से तो सब देखते हैं। कमाल तो यह है कि अंदर जाने से पहले बाहर से कोई देखे। आज हमारे पैगंबर अपनी कब्रे मुबारक के अंदर, अरे वहां से तो सब देखते हैं, तू कहे नहीं। वाह 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 वाह, है कि नहीं। अरे वाह 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 वाह, वहां से तो सब देखते हैं, नबी क्यों नहीं देखेंगे। कमाल तो यह है कि जहां से दूसरे नहीं देख पाते नबी वहां। नबी अभी इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में झांक के देख रहे हैं, बता रहे हैं। नबी की नजर को न आलमे अरसाम और आलमे बरजख के बीच का पर्दा रोक पा रहा, न कब्र पर पड़ी तनो मनो मिट्टी रोक पा रही। देख के बता रहा कि कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं बता रहे कि अजाब हो रहा है, जिस तरह से एक डॉक्टर मरज को भी जानता है, मरज किस बुनियाद पर हुआ है उसको भी जानता है, और ये मरज जाएगा कैसे उसको भी जानता है। हमारे और आपके पैगंबर रूहानी तबीबी हैं, जिस्मानी तबीबी। अजाब हो रहा है कब्र में, किस वजह से हो रहा वजह भी जान जाए, और ये अजाब हटेगा कैसे वो भी जान जाए, है कि नहीं। कहा सुनो, कब्र वालों पे अजाब हो रहा, काहे हो रहा है। ला युअज़्ज़बाने फ़ी क़बीर, बड़े मामले में अजाब नहीं, मतलब ऐसे मामले में अजाब नहीं हो रहा है कि जिससे बचना इनके लिए मुश्किल था, ऐसे मामले में नहीं हो रहा। आसान था बचना मगर बचे नहीं, अजाब हो रहा काहे हो रहा। अम्मा अहदुहुम फकान ला यस्ततीरु मिनल बौल वफी रिवायत मुस्लिम ला यस्तंजिहु मिनल बौल। बुखारी की रिवायत है, पेशाब से बचता नहीं। मुस्लिम शरीफ के लफ्ज में फर्क है मगर मतलब वही है कि पेशाब के छींटों से बचता, इसलिए अजाब हो रहा है। तो पेशाब के छींटों से बचना मुश्किल काम है, लेकिन जींस टाइट पहन लीजिएगा तब बैठना बनेगा, खड़े खड़े धार मारना पड़ेगा। अब ऐसा करेंगे तो पड़ेगा, और पड़ेगा तो याद रखिएगा कब्र का अजाब आपकी प्रतीक्षा में है, पहुंचिएगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, है कि नहीं। कहा कि एक आदमी पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, वह मलाखर फकाना यमशी बिन नमीमा,
ये दूसरा आदमी चुगली खाता था, लगाई बुझाई का काम करता था, झगड़े लगवाता था, इस वजह से अजाब हो रहा है कि नहीं। दोनों बीमारी पैदा होने लगी हमारी सोसाइटी में, है कि नहीं। ये कब्र के अजाब का सवाल, इतना कह के मेरे नबी ने किया, कहा कि फअखज़ जरीदतर रतबा, अल्लाह के रसूल ने खजूर की एक तर शाख ले ली। इतनी गर्मी में चाय पिला के और गर्म कर रहे हैं, चाय पीने से पहले जितना पसीना छूटेगा पीने के बाद और ज्यादा छूटने लगे। कोई जाड़े का मौसम थोड़ी मौलाना साहब, है ना, तकरीर के बाद भी तो चाय हो सकती है, है? बाद में जरा सा बाबू, जिनको पीना हो ना तो उसी टी स्टॉल पे चले जाइए, पी के आ जाइएगा एक एक करके, है ना, ताकि डिस्टर्ब। क्या किया सरकार ने, खजूर की एक तर शाख को ले लिया, फशक्का बिनिस्फई, उस शाख को दो हिस्सों में फाड़ दिया, सुम्मा गरजा फी कुल कब्र वाहिदा, और दोनों शाखों को एक एक कब्र पे गाड़ डाला, नहीं गाड़ दिया। सुन्नी मुसलमान फूल खाली डालते तो बुद्धू कहते हैं कब्र पुजवा है, पैगंबर ने कर शाख को खाली डाला नहीं, परमानेंट गाड़ दिया। और जब गाड़ा तो सहाबा ने पूछा, ले मसनाता हाजा या रसूल, या रसूल अल्लाह आपने ऐसा किया क्यों, खजूर की शाख ली, उसको दो हिस्सों में फाड़ा, एक एक हिस्से को एक एक कब्र पे गाड़ा, सरकार ऐसा किया क्यों। सहाबा ने पूछ कर भविष्य में हमारे लिए जो समस्या पैदा होने वाली थी उसका अग्रिम समाधान है कि नहीं। 1400 साल पहले, क्योंकि पूछेंगे काहे डालते हो फूल, है कि नहीं, पूछा काहे ऐसा किया, तो कहा लअल्लहु अन युखफ्फ अनहुमा मा लम यबस, मुझको पूरी उम्मीद है कि जब तक ये शाखें सूखेंगी नहीं तब तक इसके अजाब में कमी होती रहे। नबी फरमाना चाहते हैं, सुनो, कुरान का इरशाद है, व इमिन शैई इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न करती, कोई ऐसी जिंदा चीज नहीं जो खुदा की तस्बीह न करे। ये शाखें जब तक तर रहेंगी जिंदा रहेंगी, और जब तक जिंदगी रहेगी तस्बीह करेंगी, और जब तक तस्बीह करेंगी साहिब कब्र को सुकून मिलेगा। अगर कब्र वाला गुनहगार है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि उसके अजाब में कमी होगी, और अगर कब्र वाला अल्लाह वाला है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि उसके दर्जे में बढ़ोतरी होगी, है कि नहीं। मुझको उम्मीद है कि कमी होती रहेगी। बहुत सारे लोग बुजुर्गों के मजार पे जाते हैं, फूल अभी सूखा नहीं उठा के तबर्रुकन खा लेते हैं, है अधिकार आपको ताजा फूल खाने का, कब्र में हमने डाला का है कि जब तक तर रहेगा तस्बीह करेगा, और जब तक तस्बीह करेगा साहिब कब्र अल्लाह का वली है तो दर्जा बढ़ेगा, तो आपने खा लिया, आपका है फूलो, जिसने डाला है आपके खाने के लिए कि तस्बीह पढ़ने के लिए। तो उलमा ने रोका, मुफ्ती अमजद रेरा साहब किबला बैठे हैं, चूक होगी तो बताएंगे भी, हैं? ताजा फूल नहीं उठाना है कब्र से, न खाना, सूख जाए उठा लीजिए,
फूल की जिंदगी खत्म, तस्बीह खत्म, अब कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो जब तक सूखेंगी नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके अदाब में कमी होती है। और याद रखना, एक उम्मीद होती हमारी आपकी और एक उम्मीद होती है अल्लाह के रसूल। वो क्या कहते हैं, मुझको उम्मीद है कि जब तक सूखेगी नहीं शाम, तब तक अजाब में कमी होती रहे। अल्लामा ज़ुरकानी अलैहि रहमा लिखते हैं, अर रजाउ मिन अल्लाह व रसूलिही लित्तहकीक। हमारी उम्मीद केवल उम्मीद होती, पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अल्लाह रसूल की जो उम्मीद होती वो तहकीक के लिए होती। उम्मीद हो गई तो हो गई। नबी कहते मुझको उम्मीद है अजाब में कमी होगी, तो ऐसा नहीं है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डाल दिया कब्रों पे शाख, तो कब्र वालों के अजाब में कमी हो गई। जब तक तो कुछ लोग कहते हैं, कह रहे आप लोग उलूल जुलूल दलील देते हैं, कब्रों के कब्र वालों के अजाब में कमी नबी की दुआ की बुनियाद पर हुई थी, खजूर की शाख डालने की बुनियाद पर नहीं हुई थी। उन बुद्धुओं से कहना, हमको नबी की दुआ से इनकार है। अरे हम लोगों का अकीदा नबी की दुआ के बारे में वो है जो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने इजाबत का दुला सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए है कि नहीं। नबी की दुआ की बड़ी शान, अगर साहिब कब्र के लिए अगर नबी अपनी मुबारक जबान को जुम्बिश दे दें तो कब्र का अजाब उठेगा नहीं उठेगा। अरे दुआ तो नबी की बहुत बड़ी चीज है। किसी की कब्र पे अगर अल्लाह के महबूब अपना पैर रख दे है कि नहीं, अजाब हटेगा कि नहीं हटेगा। पैर की भी बात छोड़ो, अपना नालेने मुबारक रखते हैं तो कब्र का अजाब क्या है, हश्र का अजाब हो जाएगा। मगर न नबी ने दुआ की, न नबी ने पाए मुबारक रखा, न नबी ने नाले ने मुबारक रखा, खजूर की शाख। और फरमाया कि जब तक सूखेगी नहीं तकलीफ होती रहेगी, और इसीलिए दुआ नहीं की, इसीलिए पाए मुबारक नहीं रखा, इसीलिए नाले ने मुबारक नहीं रखा कि अगर ऐसा सरकार कर देते तो नबी के इस अमल से फायदा तो सहाबा को पहुंचता, हम गुलाम को कैसे पहुंचता। इसलिए दुआ करने के बजाय, अपना पैर अपना नालेन रखने के बजाय, कयामत तक के लिए हम गुलामों को मेरे नबी ने नुस्खा दे दिया कि कब्र में अगर अजाब हो रहा हो तो ताजा चीज कोई रख दो, तस्बीह जब तक पढ़ेगी अजाब में तकलीफ होती रहेगी, और अल्लाह वाला है तो उसके दर्जे में बढ़ोतरी। नुस्खा दे दिया है कि नहीं। खैर मैं ये कह रहा था, सुन्नी मुसलमान भी कब्रों पे फूल कब्रों की पूजा के लिए नहीं डालता, उसी मकसद से डालता है जिस मकसद से अल्लाह के महबूब ने कि जब तक फूल सूखेगा नहीं अल्लाह की तस्बीह करेगा, और जब तक करेगा अजाब में कमी होगी, अल्लाह वाला है तो दर्जे में। हमने कब्रों पे चादर डाल दी, कहा कब्र पुजवा, चादर लेके चले जाइए डाल दिए, कहा कब्र पुजवा। उनसे पूछो कब्र पे चादर डालने का नाम इबादत है, यही डिफिनिशन है इबादत की कि कब्र पे चादर डालने को इबादत करते, ऐसा है नहीं। कब्रों के एहतराम का मेरे नबी ने हुक्म दिया, और उस हुक्म का ये असर था कि सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन फरमाते हैं, लअन अता अला जमरा,
احب الي من اتى من ان اتى على قبر المؤمن میں انگارے پہ قدم رکھنا پسند کروں گا کسی مسلمان کی قبر پہ قدم رکھنا پسند نہیں کروں گا ہے کہ نہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت ہے ہے نا بیٹھ جاؤ کسی قبر پہ آگ پہ بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ آگ تمہارے کپڑوں کو جلا ڈالے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی مسلمان کی قبر پہ احترام ہے کہ نہیں قبروں قبرستان کے نئے راستے پہ جوتا پہن کا چلنا منع کسی مسلمان کی قبر پہ پیر رکھنا ناجائز کسی مسلمان کی قبر پہ پیر رکھنا تو درکنار ٹیک لگانا منع حضرت عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول وہ فرماتے ہیں ران النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متکیاً علی قبر اللہ کے رسول نے مجھ کو دیکھا کہ میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں غور سے سنیے گا اس بات کیا دیکھا کہ میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں تو قبر سے ٹیک لگانا کب ممکن ہے جب قبر زمین کے لیول میں ہو تب یا قبر زمین سے اونچی ہو تب لیول میں قبر رہے گی تو ٹیک لگا سکے گا کوئی نہیں نہ لگا سکے گا ٹیک لگانا تو تبھی سمبھو ہے جب قبر زمین کے لیول سے اونچی ہو تب نہ ٹیک لگا سکتے صحابی رسول کو رسول نے دیکھا کہ قبر سے ٹیک لگا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کی قبریں زمین کے لیول سے اونچی ہوتی تھی نہیں دلیل ہے مسلمانوں کی قبریں زمین کے لیول سے اونچی ہوتی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے نا آج کل تو جلسوں کی تقدیر سے آپ لوگ بہت حد تک بے نیاز ہو چکے ہیں یوٹیوبر مولوی اتنے پیدا ہو چکے ہیں مقرر اتنے پیدا ہو چکے ہیں زرق برق لباس پہن کے اسنو پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے اتنی شانداری سے اسٹوڈیو میں بیان دیتے تھے کہ ہمارے جوان انہیں پہ لڑتے ہیں ان سے بڑا مولوی کسی کو نہیں سمجھتے یوٹیوبر اس لوگ کسی کو نہیں سمجھتے وہی سب سے بڑے مولوی اور اس میں کتنے جاہل بھرے ہیں یہ تو آپ لوگ جانیے گا نہیں حضرت جانے گا ہے کہ نہیں کتنے جاہل بھرے ہیں اس میں جبا کبا لگا کے پگڑی باندھ کے اللہ بہتر جانتا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی قبریں نبی کے زمانے میں زمین کے لیول میں نہیں ہوتی تھی اونچی ہوتی یہ کہنا اس لیے ہے کہ ایک ہوا کرتے تھے یہاں پر ڈاکٹر صاحب آج کل نہیں ہے ملیشیا میں یہاں نہیں ہے آپ لوگ جانیے بڑی زور شور سے ان کی تقریر ہوتی تھی پیس ٹی وی پہ ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا حضرت علی کو کہ اگر کوئی اونچی قبر دیکھنا تو اس کو برابر کر دینا اور اگر کوئی بت دیکھنا تو اس کو مٹا دینا ہے بھی مسلم شریف کی حدیث حدیث کے الفاظ ان ابی الحجاج الاسدی انہ قال قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کیا ہے عجیدہ قبر مشرفاً الا صفیتو ولا تمثالاً الا تمس حضرت ابو حیاج اسدی جو حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا
ए अबू हय्याज असदी, क्या मैं तुम्हें उस मुहिम पे रवाना न करूं जिस मुहिम पे अल्लाह के रसूल ने मुझको रवाना किया था। और वो मुहिम ये थी कि मैं किसी ऊंची कब्र को पाऊं तो उसको बराबर कर दूं लेवल में जमीन के, और किसी बुत को देखूं तो मिटा डाल, है कि नहीं। इसी हदीस की बुनियाद पर ये लोग कहते हैं कि कोई भी कब्र जमीन के लेवल से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इन नादानों से पूछो, अल्लाह के महबूब ने जिन कब्रों को जमीन के लेवल में करने का आदेश दिया था वो कब्रें मुसलमानों की थी कि बेईमानों की? मुसलमानों की थी कि बेईमानों की थी? बुत मुसलमान की कब्र पे गड़ा होता है कि काफिर की कब्र पे गड़ा होता है? ऊंची कब्रों को जमीन में लेवल, जमीन के लेवल में करने का हुक्म देने के साथ साथ बुतों को मिटा देने का हुक्म देना, ये इस बात की दलील है कि जिन कब्रों को जमीन के लेवल में करने का नबी ने आदेश दिया था वो मुसलमानों की कब्र नहीं थी, बेईमानों की। मारे घुटना फूटे ना, नबी ने हुक्म दिया कि काफिरों की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दो। इन वहाबियों ने 1925 में जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दिया, है कि नहीं। हुक्म क्या था, क्या क्या दिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं। कहते हैं सहाबी रसूल हजरत उमर इब्ने हज्म कि मुझे सरकार ने देखा कि मैं कब्र से टेक लगा के बैठा हूं, तो क्या फरमाया, ला तुज़े साहिब हाज़ल कब्र वला यूज़ी। कब्र वाले को तुम तकलीफ मत पहुंचाओ और कब्र वाला तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाओ, यानी दोनों तरफ से गड़बड़ हो सकता है। कब्र से टेक लगा के बैठोगे ना तो कब्र वाला तुमको भी तकलीफ पहुंचा सकता है और तुम कब्र वाले को तकलीफ पहुंचा रहे हो, इसलिए उतरो इंजिल में नल कब्र, उतर जाओ कब्र। ला यूजी साहिब, ला तूजी साहिब अल कब्र वला यूजी, तुम कब्र वाले को तकलीफ मत दो और कब्र वाला तुम्हें तकलीफ मत दो। अच्छा तो तकलीफ किसको होती है? जिसके अंदर एहसास तकलीफ होगी, एहसास जिसका मर जाए तो तकलीफ होगी। खुदा न करे किसी को फालिज मार दे, अगर मार देगा तो सुई भी चुभो दीजिएगा तो उसको तकलीफ होगी, काहे नहीं, एहसास मर गया है तो काहे तकलीफ होगी। एहसास जिंदा होता है तब तकलीफ होती है किसी चीज से। तो कहा कि कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ, ये दलील है इस बात की कि मरने वाला भरे मर जाता है मगर उसका एहसास नहीं मरता, और जब एहसास नहीं मरता तो तकलीफ भी महसूस करता है, वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है। एहसास मरा नहीं तो देख भी सकता, सुन भी सकता, सूं भी सकता, सब कुछ कर सकता है कि नहीं। एहसास मरा नहीं, अगर एहसास मर जाता तो पैगंबर काहे को फरमाते कि तुम कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ। कब्र वाला अंदर से देखता है कि नहीं देखता है? सुनिए मुसनद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं, كنت ادخل في بيتي الذي دفن فيه ابي وزوجي فاضع صوتي فانهما زوجي وابي فلما دفن فيه معهما عمر فوالله ما دخلت حتى मैं अपने उस कमरे में जिसमें
अल्लाह के रसूल और मेरे वालिदे गिरामी मदफून है सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला। तो वहां मैं जाती थी निकाब डाल के, बिना निकाब के जाती थी और मैं ये कहती थी दिल में कि इसके अंदर है कौन, एक मेरे शौहर एक मेरे वालिद। बीवी का शौहर से पर्दा कैसे और बेटी का बाप से पर्दा कैसे। मैं चली जाती थी बिना निकाब के, लेकिन फारूक आजम जब उनके साथ फारूक आजम ने अपने विसाल से पहले अपने बेटे को वसीयत की थी कि जाओ उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास और उनसे कहना कि उमर रसूलुल्लाह और सिद्दीके अकबर के पहलू में दफन होना चाहता है, अगर वो इजाजत दे दें तो मुझे वहां दफन कर देना और न दे तो जन्नतुल बकी। उम्मुल मुमिनीन के पास उनके साहबजादे गए, फारूक आजम की ख्वाहिश का बयान किया। उम्मुल मुमिनीन ने इरशाद फरमाया कि वो जगह तो मैंने अपने लिए मगर मैं अपनी आरजू को उमर फारूक की आरजू पे कुर्बान करती हूं, मैं इजाजत देती हूं तो मदफून हो गए फारूक आजम। उम्मुल मुमिनीन फरमाती है कि जब मेरे वालिद और अल्लाह के रसूल के साथ उमर फारूक भी मदफून हो गए तो कसम है अल्लाह की मैं उस हुजरे में दाखिल नहीं होती थी मगर ये कि मैं अपने आप को कपड़ों में लपेट लेती थी और इसलिए ऐसा करती थी कि मुझको उमर से हया। अगर उम्मुल मुमिनीन का ये अकीदा नहीं होता कि फारूक आजम कब्र के अंदर से मुझे देख सकते हैं तो का जरूरत थी ये पापड़ बेलने का, जरूरत उनका अकीदा था कि मौत के बाद भी फारूक आजम मुझे अंदर से देख रहे है कि नहीं, एहसास जिंदा है तभी तो देख रहे है कि नहीं। और जहां तक सुनने की बात है बड़ी मशहूर है हदीस पाक बुखारी शरीफ की, सन 2 हिजरी में जंगे बद्र हुई, 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 कुफार का लश्कर जर्रार, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात उतार दी अपने महबूब और महबूब के जान सारों की हिमायत के लिए उतार दी ना, कितने मुसलमान शहीद हुए केवल 14 जंगे बदर में, इधर 313 उधर 1000 कितने शहीद हुए 14 और उनके 70 यानी एक तरफ एक के मुकाबले में 5 14 5 70 5 गुना मरे उधर और 1 गुना शहीद हुए इधर, 70 मारे गए और 70 कैद कर लिए गए बाकी भाग गए है कि नहीं। अल्लाह के रसूल का ये दस्तूर था कि जब किसी कौम पर इनको फतह होती तो 3 रोज वहां क़याम फरमाते थे। जंगे बद्र में जब अल्लाह ने फतह का फरमाई अपने महबूब को महबूब के जानेसारों तो 3 दिन नबी ने वहां क़याम फरमाया, 3रे दिन उस गड्ढे पर तशरीफ ले गए जिसमें कुफार की लाशें वहां गए और एक एक का नाम लेके पुकारा, अबू जहल अतबा शैबा वली रबिया नाम लेके पुकारा और कहा फइन्ना कद वजदना मा वअदा रब्बुना हक्का फहल अंतुम वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का। ए अबू जहल ए अतबा ए शैबा ए रबिया ए वली
अल्लाह ने हमसे जिस बात का वादा किया था हमने तो पा लिया ना। अल्लाह ने वादा किया था महबूब अपने जानेसारों के साथ निकलो, आसमान से फरिश्तों की जमात हम तुम्हारी हिमायत में उतार देंगे। उतर गई जमात, फतह मिल गई है कि नहीं। अल्लाह ने तुम लोगों से वादा जो किया था वो पाए तुम लोग कि नहीं। बहुत दंदनाते फिरते थे मक्के की धरती पे, बहुत परेशान किया मुसलमानों को, अब कैसा लग रहा है बताओ। फारूक आजम वहीं खड़े थे, फरमाया या रसूल अल्लाह तकल्लमु अजसाद अल्लाह अरवाह फीहा। सरकार ये तो शरीर है बिना आत्मा के, जिस्म है बिना रूह के, इनसे आप बात क्या कर रहे हैं, ये क्या सुने। तो सरकार ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदि मा अंतुम बिअस्मअ मिनहुम लिमा अकूल। उमर जो बात मैं इन मुर्दों से कह रहा हूँ जितना ये सुन रहे हैं ना उससे ज्यादा तो तुम भी नहीं सुन सकते है कि नहीं। क्या कहा, उनसे ज्यादा तुम भी नहीं सुन सकते। अब मुझे बताओ कि जब मरने के बाद अबू जहल अतबा शैबा वलीद जैसा बेईमान सुन सकता है तो मौत के बाद गौसो खाजा जैसे अल्लाह वाले नहीं सुन सकते। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। समझी नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मौत के बाद एहसास जिंदा होता है, आदमी सुनता भी है, देखता भी है। मौत जिसको आती है रूह को पैदा करके अल्लाह ने उसको मुखातब करके फरमाया खुलिक तुम लिल अबद, हमेशा हमेशा के लिए तुम पैदा हो। हमेशा रूह पैदा हो गई अबू नहीं मरेगी, जिस मरता है सुनना देखना बोलना ये सब रूह का काम होता है, जिस्म का काम। रूह निकल जाए जिस्म से, कान नाक आंख सब अपनी जगह सलामत, कुछ नहीं। रूह लेकिन सुनती है महसूस करती है कि नहीं। तो अब ये तो ज़िमनी बात थी ना। क्या फरमाया पैगंबर ने, एक मत लगाओ कब्रों से, कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ वो तुमको तकलीफ न पहुंचाए। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने मसला मुस्तंबत किया कि मुसलमान के कब्र से टेक लगाना नाजायज, कब्र पे कदम रखना नाजायज, उस पे कब्रिस्तान के नए रास्तों पे जूते पहन के चलना नाजायज। काहे, मुसलमान की कब्र का एहतराम है, तौहीन का अधिकार नहीं है किसी मुसलमान को। याद रखना आम मुसलमानों की कब्र का ये एहतराम कि उस पे पैर नहीं रखा जाएगा, उससे टेक नहीं लगाया जाएगा, उस पे कब्रिस्तान के नए रास्तों पे जूता पहन के चला नहीं जाएगा। अल्लाह के वलियों की कब्र का ये एहतराम कि उस पे चादर डाल दी जाएगी ताकि पता चले ये आम मुसलमान की नहीं अल्लाह वाले की। कितनी चादर डालने से ये काम समझ में आएगा, ये फर्क कितने चादर डालने से समझ में आएगा, एक डालने से आएगा कि नहीं कि आम मुसलमान के नहीं है अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर डालने से काम चलेगा कि नहीं। आप एक ही डालते हैं, हमारे आला हजरत ने क्या फरमाया, एक चादर डाल वो सीधा हो जाए है कि नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, चादर खरीद के डाले जाओ, इधर डालो उधर मुजाविर उतारा दोबारा बेच दिया, रीसेल फिर रीसेल फिर रीसेल कारोबार चल रहा। और हम लोग हैं बेवकूफ, उन मुजाविरों को फायदा पहुंचा जो बेईमान सहाबा को बन है कि नहीं, उनको हम फायदा पहुंचा रहे चादर पे चादर डाल आ रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बार दर्ज कर लो ना, अब हजरत की तशरीफ आखिरी। नबी रहे साहिबे उर्स और शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना उमर रजा खान साहब क़िबला की तशरीफ आवरी। इंशाअल्लाह मेरे बाद उनका बयान सुनेंगे, अभी आप उनको देखें, हमें देखिए मत सुनिए, हजरत को देखिए। खानवादे आला हजरत के एक मुमताज फर्द हैं, हजरते अल्लामा उमर रजा खान साहब, मुफस्सिर हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिदवान के पोते हैं कि नहीं। हमारी अकीदतें इनसे वाबस्ता हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम हमने मसाइब व मुश्किलात की खड़ियों में अल्लाह वालों को पुकार ली, या रसूल अल्लाह, या गौस अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, तुरंत फतवा मुशरिक गैरों को पुकार शेर है कि नहीं। क्या गैरुल्लाह को पुकारने का नाम ये बात है, शेर से इसी का नाम है नहीं। और हर किस किस अशिफा बेतारीफ हुकूक मुस्तफा, सीरत नबवी की मारिकतुल आरा तस्नीम, छठी सदी हिजरी के नामवर आलिम हजरत अल्लामा अयाजी अयाज मालिकी, सारे उलमाए हक के बीच ये किताब मकबूल है, अशिफा के तारीफ है। काम कर रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर। उसमें एक रिवायत है कि इन बन उमर खदीरत रिजला फकील लहु उज़कुर अहब الناس इलै फसाह या मुहम्मद फंतशर, कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का पाए मुबारक सो गया, बेजान सा हो गया, सो गया, तकलीफ होने लगी, तो फकील उनसे कहा गया। तो हजरत इब्ने उमर तो मशहूर साहबी हैं, उनसे कहने वाला कौन हो, या तो साहबी हो या कम से कम तीसरा कोई हो सकता। और ये बुद्धू लोग भी कहते हैं कि खैरुल कुरून में जो हो गया वो हम लोग तो उस नए काम को कहते हैं जो नबी के जमाने में न हुआ हो और कुरान और सुन्नत के वसूल से मुतसादिक, तब नबी खाली नया काम हो जाए तो बिदअत। किसके जमाने में ये बात कही जा रही है, सहाबिये रसूल से कही जा रही, कहने वाले कौन है, नहीं क्या कह रहे हैं,
उज़कुर अहब्बन नासे इलै यज़लन। लोगों में सबसे ज्यादा प्यारी शख्सियत आपकी नजर में जो भी हो आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है कि नहीं? आप उसको याद कर लीजिए। ठीक हो गया। तो सहाबा की नजर में रसूलुल्लाह की शख्सियत से भी ज्यादा प्यारी किसी की शख्सियत है? तो जब उनको कहा गया कि सबसे प्यारी शख्सियत जो आपकी नजर में हो उसको याद कर लीजिए। ठीक है। ये सोया हुआ पैर जाग जाए तो उन्होंने तुरंत नारा लगा दिया ना, या मोहम्मद। और जैसे ही नारा लगाया पैर सोया हुआ खुल गया, तकलीफ खत्म। अगर मसाइब मुश्किलात की घड़ियों में खुदा के महबूबों को पुकारना शिर्क होता तो सहाबी ये शिर्क है। अब सहाबी ये मुशरिक हो जाएंगे तो ये भी ईमान ईमान लाएंगे का? हमको ईमान डायरेक्ट थोड़ी मिला है, सहाबा के तवज्जुद से मिला है। आज भी जो बेईमान सा किसी सहाबी को बुरा भला कहते हैं तो समझ जाना ये दीन की बुनियाद को हिला रहे। दीन का सरचश्मा, दीन की बुनियाद, दीन जिनके तवज्जुद से हमें मिला है वो कौन लोग हैं? सहाबा। वही डैमेज हो गए, कोई डैमेज हो गए तो पूरा दीन मशकूक हो जाए। जो लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं वो पूरे दीन इस्लाम को मशकूक बनाने का असफल प्रयास। वो खारजी हैं, नासबी। अहले सुन्नत व जमात से उनका कोई क्या कहने। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबा ने कहा, ताबीन ने कहा, सबसे प्यारी जो शख्सियत हो उसको पुकार लीजिए। ठीक हो जाएगा। उन्होंने किसको पुकारा? सरकार को पुकारा। ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं या मोहम्मद पुकारा जो मझधार में, खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। और जो समझता नहीं उनको मुख्तारे कुल, वो अगर डूब जाए तो मैं क्या कहते क्या कर सकते हैं? क्या कहने? जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। डूब जाओ, मर जाओ, खप जाओ, है कि नहीं? हम तो मालिक के कुल समझते हैं और हर मुश्किल घड़ी में रसूलुल्लाह का नारा लगा। और जो जलते उनको खूब जलाते हैं क्योंकि सरकारे आला हजरत ने यही हमको सिखाया है, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत लीजिए, जितना शिर्क कहे उतना या रसूल अल्लाह, गैस से जल जाए बेदीनों के दिल। तो इबादत इन चीजों का नाम नहीं है? और इन्हीं चीजों की बुनियाद पर ये बेईमान हमको कहते हैं कब्र पर हुआ तो समझे ही नहीं इबादत किसको कहते हैं। तो तकरीर का दूसरा चैप्टर रह जा रहा है, वो कभी हो जाएगा पूरा, जिंदगी रही तो, है ना? आज पूरा नहीं करेंगे वरना देरी हो जाएगी, है ना? देरी हो जाएगी। लेकिन ये तो पता चल गया कि इन चीजों का अपना इबादत नहीं है और इन्हीं चीजों की बुनियाद पर बेईमान हम पर कब्र पुजवा होने का इल्जाम। इन सब चीज का इबादत काम नहीं है, इबादत किसी और चीज का नाम। जिंदगी रही तो फिर कभी बताएंगे, अगर आए तो, है ना? हयात रही तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगु को कबूलियत के शरफ से नवाजे और हम तमाम मुसलमानों को अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात, अल मारूफ व मसलके आला हजरत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।